हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही इजी एक स्वीट रेसिपी बनाएंगे। हम घर पे होममेड चॉकलेट बनाएंगे। इसे आप चॉकलेट बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। हमें सिर्फ चार ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फर्स्ट तो हमें चाहिए मिल्क मेड। फिर मैंने यहाँ पे मारी बिस्किट ले लिया है, 5 से 6 मारी बिस्किट मैंने इसका चूरा कर लिया है। कोको पाउडर और ये मैंने चॉकलेट पाउडर लिया है। ये आपको इजीली किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही इजी और आसान है। सबसे पहले आप एक बाउल लीजिए, उसमें आप अराउंड 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क मेड ले लीजिए। ये कोको पाउडर है। कोको पाउडर फ्रेंड्स ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ और चॉकलेट पाउडर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टेबलस्पून। और ये मैंने 6 से 7 मारी बिस्किट मैंने इसका चूरा कर लिया है, ये हम इसमें डाल देंगे। अब फ्रेंड्स हमें सारे इंग्रेडिएंट्स हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। ये बहुत ही आसान और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये रेसिपी। आप तुरंत इसे घर पे बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स होने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। फिर प्लेट में इसे अच्छे से हमें फैला लेना है। आप चाहे तो इसे अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से फैला लिया है। आप 1 से 2 बार इसे टैप कर लीजिए और इसे फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए रहने दीजिए सेट होने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 आवर हो चुका है। मैंने इसे फ्रिज में से निकाल दिया है। आप इसके पीसेस कट कीजिए और इन्जॉय कीजिए।